ये कौन सा पैनल है? किस ब्रांड का पैनल है ये? इस पैनल की साइज कितनी है और इस पैनल की प्राइस कितनी है? जानना चाहते हैं ना आप सभी लोग? लेट्स गेट योर आंसर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में जो भी आपने मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चंस किए, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज, तो ये जो पैनल है ये इवोटा ब्रांड का पैनल है और इसमें आपको चार मेन वेरिएंट्स मिलते हैं, जो है 65 इंचेस, 75 इंचेस, 86 इंचेस और 98 इंचेस। और ये जो पैनल अभी आप देख रहे हैं ये है 65 इंचेस का। तो शुरुआत करते हैं फीचर्स के साथ में। तो इस पैनल में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं? सबसे पहली चीज़, तो 4K अल्ट्रा HD इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, एंड्रॉयड 11 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके साथ साथ मल्टी टच इंटरफेस है इसका, वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर ई नोट इसके साथ इंक्लूडेड है, आपको कोई भी एडिशनल वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है इसके साथ साथ, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जूम सेशंस ले सकते हैं, वायरलेस कोलैबोरेशन जो आपकी एंड्रॉयड टैबलेट है और मोबाइल डिवाइस है, बिना किसी वायर कनेक्टिविटी के आप उन्हें इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। इसके साथ साथ जो आपकी ऑफिस फाइल्स हैं, एक्सेल शीट हो गई, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वीडियो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, इन सभी को आप ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको ऐसी इनबिल्ट एप्लीकेशंस मिल रही हैं जिनसे आप इन सभी तरह के जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं, इतने सारे कनेक्टिविटी के पोर्ट्स हैं कि आप इस पैनल में अपने कैमरे को, DVD को, डिश TV, लैपटॉप, डेस्कटॉप और इस तरह के जो भी डिवाइसेस हैं इन सभी को आप इस पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ आप अपने पेन ड्राइव में कुछ कंटेंट लेकर इसमें यूज़ करना चाहते हैं, चाहे तो आपके जो प्रेजेंटेशंस हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, तो उन्हें आप अपने पेन ड्राइव में इंपोर्ट करेंगे और फिर आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ वो डिस्प्ले होंगे बल्कि आप उनके ऊपर एनोटेट भी कर पाएंगे, कुछ लिखकर भी समझा पाएंगे। इसके साथ साथ आप उन सभी को एज अ इमेज फाइल सेव कर सकते हैं इस सिस्टम में ही, इस पैनल में ही, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो इसमें आपको IPS पैनल टेक्नोलॉजी मिल रही है, LED बैकलाइट है, 4K रेजोल्यूशन है, ये इसका एक्टिव एरिया है, एक्टिव डिस्प्ले एरिया, जिस एरिया में आप लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसका डायमेंशन ये है। स्पीकर, बिल्ट इन स्पीकर हैं, दो स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, प्रोटेक्शन ग्लास है, टफन ग्लास है। तो ये सारे हो गए इसके मेन स्पेसिफिकेशंस। इसके साथ पावर सप्लाई आपको इतना मिल रहा है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पैनल को यूज़ करें तो कुछ ना कुछ बैटरी बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अब अगर पावर कट होता है और पैनल बंद हो जाता है तो ऐसे में जो आपकी स्क्रीन है, पैनल की स्क्रीन है, उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसे इन्वर्टर से कनेक्ट करें या कुछ ना कुछ बैटरी बैकअप ज़रूर रखें, नहीं तो इसकी जो स्क्रीन है वो ख़राब हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, डुअल कोर CPU, 2GB की रैम मिल रही है, इसके साथ साथ आपको 16GB की स्टोरेज भी मिल रही है और इसके साथ ये कुछ केबल वायर्स आपको मिल रहे हैं फॉर इजी कनेक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो पैनल है इसकी कितनी प्राइस है? तो यहाँ पर दो वेरिएंट्स हैं आपके पास। अगर आप 65 इंचेस का पैनल ख़रीद रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 1,12,000, और वहीं अगर आप 75 इंचेस का पैनल ख़रीद रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको इतनी पड़ेगी। और जैसे जैसे पैनल का साइज़ बड़ा होगा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब एक क्लियर डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि ये जो मैं प्राइस आपको बता रही हूँ ये आज की डेट है, विच इज़ 23rd जून। अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं, एक महीने दो महीने बाद देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है यही प्राइस आपको मिले, ये जो प्राइस है ये बढ़ेगा ही। तो अगर आप मन बना रहे हैं लेकिन अभी श्योर नहीं है कि आपको पैनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप हमारी टीम को कॉल करिए, रीच आउट करिए और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपका जो बजट है उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे थ्रू इस पैनल को परचेज करते हैं तो जो इंस्टॉलेशन है और सर्विस है वो भी हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं पैनल से रिलेटेड मैंने कोशिश की इस वीडियो में कवर करने की, और अगर आपको डिटेल्स चाहिए हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और जो भी आपके डाउट्स हैं वो
क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आने वाले वीडियोस में उन सभी डाउट्स को उन वीडियोस के माध्यम से आंसर करूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और जो भी आपके डाउट्स हैं पैनल से रिलेटेड वो मैं क्लियर कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ गुंजाइश रह जाती है तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।